नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे कि हमें कौन सी कोविड वैक्सीन लगानी चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट ने हमें दो वैक्सीन प्रोवाइड करी है इंडिया में, कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन। पहला कोवैक्सीन काफ़ी इफेक्टिव पाया जा रहा है और इसको IM इंजेक्शन से लेते हैं। अराउंड 4 to 6 weeks अपार्ट में दोनों डोजेज दी जाती है और कोवैक्सीन की एफिकेसी सारे ट्रायल के बाद 81% पता चली है। दूसरा कोविशील्ड वायरल वेक्टर मैकेनिज्म पे वर्क करता है और इसकी एफिकेसी भी अराउंड 70% है। अभी रिसेंटली एक डेटा आया था जिसमें पता चला कि कोविशील्ड बहुत ज़्यादा अच्छी अमाउंट में एंटीबॉडी जनरेट कर रहा है एज़ कम्पेयर टू कोवैक्सीन। बट एक्चुअली सिर्फ एंटीबॉडी को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए, बिकॉज देर आर सर्टेन मोर थिंग टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी, जैसे कि मेमोरी सेल। तो दोनों ही इफेक्टिव है, 70% 80% इज डेटा। बट मेरा ये मानना है कि अगर आपको कहीं से भी चांस मिलता है वैक्सीनेशन का, गो अहेड फॉर इट। चाहे वो कोवैक्सीन हो चाहे कोविशील्ड, दोनों ही बहुत सेफ और इफेक्टिव वैक्सीनेशन है। थर्ड, अगर हम स्पूतनिक की बात करें तो स्पूतनिक अभी रशियन वैक्सीन है और वायरल वेक्टर मैकेनिज्म जैसा हमारा कोविशील्ड है उसी टाइप का ही मैकेनिज्म पे आधारित है और ये अभी आया नहीं है लेकिन बहुत जल्दी अवेलेबल होने वाला है इंडिया में। और उनका अपना सेल्फ क्लेम दावा है कि ये डेल्टा वायरस के अगेंस्ट भी वर्क करेगा, बट ये उनका सेल्फ क्लेम है। कितना सही है अभी नोबडी नोज, बट इनका इनके ट्रायल से इनका जो परसेंटेज है इफेक्टिवनेस का, दैट इज़ अराउंड 91%, दैट इज़ ऑल्सो हाई। तो वी आर लुकिंग फॉर इट, बट टिल नाउ मेरा ये कहना है कि अगर जो भी आपको वैक्सीन मिलती है जिसमें भी आपका नाम आता है, कोविशील्ड या कोवैक्सीन, प्लीज़ गो अहेड।